ये बताइए पाकिस्तान और हिंदुस्तान में आपको क्या फर्क नजर आया है? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करते बहुत अच्छे होंगे। अभी हो चुका है मॉर्निंग का टाइम। मैं हूँ अभी दिल्ली जंक्शन पे। कल वाला व्लॉग नहीं आया होगा, कल हमने वीडियो को एडिटिंग नहीं कर पाया, नेटवर्क अच्छा नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि हम लोग गए थे अजमेर जंक्शन, वहाँ पे हमारा एक एल्बम सॉन्ग का शूटिंग था, वो भी जल्द से जल्द रिवील करने वाले हैं। बस आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो, अपने राजा भाई को आगे बढ़ाते रहो। मैं सोच रहा हूँ दिल्ली को जो अच्छे से एक्सप्लोर करूँ, अच्छे अच्छे धार्मिक जगह, ऐतिहासिक जगह को जाकर के दिखाऊँ आप लोगों को। क्योंकि एक ही प्रकार का व्लॉग देखते रहते हो, फैमिली व्लॉग, तो आप लोग भी कहते थे कि भैया कुछ जाकर के व्लॉगिंग कीजिए। मैं सबसे पहले ट्रेन को पकड़ना चाहा, लेकिन ट्रेन में क्या हुआ कि सीमा यादव से मिलने के लिए गया हुआ था, वहाँ उनसे मिल नहीं पाए। आप लोग भी कॉमेंट कर रहे थे ढेर सारा कि भैया क्या रीज़न था, क्यों नहीं मिल पाया। तो मैं आपको बता दूँ कि उनको पाकिस्तान भेजने की पूरी तैयारी कर रहे थे, वहाँ पर सिक्योरिटी फुल थी। इस वजह से हमने दो दिन तीन दिन कोशिश करी कि मिल लूँ। हमसे भी काफ़ी बड़े यूट्यूबर मीडियाज़ वाले वहाँ पे खड़े रहते थे, अभी भी खड़े हैं, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। तो मैं सोचा कि निराश होकर के वहाँ से निकल गया कि चलो नेक्स्ट टाइम कभी मैं कोशिश करूँगा तो उनसे मिलूँगा। इसी वजह से मुझे अजमेर निकलना पड़ा, क्योंकि काम भी था हमें। तो आज मैं सोच रहा हूँ दिल्ली में रुक करके कुछ अच्छे से चीज़ों को अपने जो एक्सप्लोर करूँ। बाकी यहाँ का नज़ारा देख सकते हो, अभी हो चुका है मॉर्निंग का टाइम। अभी मैं हूँ दिल्ली जंक्शन पे। मन तो कर रहा है कि कानपुर निकल जाओ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ दिखाने लायक है तो उसको मैं अच्छे से एक्सप्लोर करूँ। जैसे कि दिल्ली का लाल किला है ना, आगरा में भी शायद लाल किला है, आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि मैंने वहाँ पर भी देखा था, मैं कन्फ्यूजन में था कि दिल्ली में है कि आगरा में। तो हम लोग जल्दी जल्दी बाजी में जो वहाँ से निकल गए थे। अभी हमारा जर्नी ऐसा है कि हमारा फ़ोन अगर डाउन हो जाता है ना तो रेलवे स्टेशन पे ही लगा के रखना पड़ता है। फोन चार्ज में लगा, मेरा भी फ़ोन चार्ज में लगा हुआ है। भाई गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त हैं एकदम। अरे आपको पूछने सभी लोगों से, हम लोग तो बढ़िया आई है भाई। जो ना दो दिन से जगह हुए, एक तो सीमा इधर वाला व्लॉग करने के लिए गए थे तो वहाँ भी ऐसा ही हाल था। और हमने बैग को चेंज कर लिया, जैसा आप लोगों ने देखा होगा। हमारे पास आज एक और व्लॉग है, एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, उसको एडिटिंग करना बाकी है। जो हम लोग अजमेर गए थे, अजमेर जंक्शन तक, जहाँ पे हम लोगों ने सॉन्ग की शूटिंग करी थी, तो वो व्लॉग आज हो सकता है पोस्ट करें, नहीं तो यही व्लॉग पोस्ट करना पड़ेगा। कमेंट करके बताओ बैग कैसा है। बैग हाँ, क्या आप लोग का फैन हूँ। देखिए हम लोग बहुत वीडियो आपका देखता हूँ। देखिए मौसम बता आपको, मैं पूछे लग रहा है कि वही है कि नहीं है। लास्ट में कुछ पूछे, वो इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, तो हाँ खुद खोले मतलब डिटेल बता दिया हो। नहीं आपका अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं भैया। अभी अजमेर से हमारे साथ जो है सफर कर रहे हैं, लेकिन अब जाके पहचाने हैं ना। कन्फ्यूजन में थे कि वही लड़का है कि कोई दूसरा। नाइट में अंधेरा था ना, इसलिए मैंने पहचाना। अच्छा अच्छा, सुबह से मेरे को लग रहा है कि आप ही हैं। टीवी लाइफ पे हैं कि यूट्यूब चलाते हैं यार? हाँ, तो नहीं व्लॉग लोग बनाते हैं रील। जी जी, 1 मिलियन कुछ है इंस्टाग्राम में। अरे बाप रे, नोटिस करके रखे हैं। मैं देखा हूँ आपका। थैंक यू भैया, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा इरफान अंसारी नाम है। अरे मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा। नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आज हम शैलेश भाई के घर पे रुकने वाले हैं। आ जाइए पीछे, आ जाइए। बहुत खुशी की बात है, राजा भैया हमारे घर पे आ रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन से इच्छा थी कि राजा भैया हमारे घर पे भी आए, तो आज हमारे घर पे आए। बिल्कुल भैया, यार क्या बात करते हैं, काफी दिन से मैसेज कर रहे थे कि आइए आइए आइए। हमने कहा ठीक है, हम आ जाएंगे। बहुत दिन से कॉन्टेक्ट हुआ, चलो अच्छा लगा। घर पे चलते हैं। जी, शैलेश भैया के घर पे हम पहुंच चुके हैं। और ये रहे शैलेश भैया और उनकी प्यारी सी वाइफ। क्या नाम है आपका? आप दोनों उत्तर प्रदेश से हैं? हाँ, उत्तर प्रदेश से हैं भाई। दोनों व्लॉगिंग करते हैं। मैं सबसे बड़ी बात बता दूं आपको कि स्ट्रगल टाइम में आप रेंट पे यहाँ पे रहते हैं। हाँ जी, यूट्यूब पे व्लॉगिंग भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, है ना? हाँ। आपका पैशन क्या है, मतलब मेन मकसद क्या है यूट्यूब? हाँ, मतलब YouTube पे थोड़ा फेमस है यार। बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली मिलकर थोड़ा ब्लॉग वगैरह बनाया, आप सब लोग सपोर्ट कीजिए। तो भैया काफी दिन से मैसेज कर रहे थे कि आप आओ, तो मैं दिल्ली में आते रहता हूँ, दोस्त वगैरह के यहाँ पे रुकता हूँ, काफी से होटल वगैरह में रुकता हूँ। तो मैंने सोचा भैया से मिला भी था मैं, सीमा इधर वाला जो हम लोग ब्लॉगिंग करने के लिए गए थे, तो भैया शायद मिल भी नहीं पाए थे। आपको ऐसा लगता है ना कि YouTube कम्युनिटी में अगर हम लोग आपस में मिलते हैं तो ऐसा लगता है हमारे परिवार का? बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, एक YouTube ने ये चीज़ दे रखा है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई देख रहा हो तो अपना पैसा महसूस होता है। बिल्कुल। अभी फिलहाल नाश्ता वास्ता करते हैं और भैया के साथ कहीं हो सकता है अगर टाइम मिले तो घुमा। नहीं नहीं, बिल्कुल आज भैया के साथ घूमेंगे, क्योंकि मैं जॉब पर नहीं गया, बहुत खुशी की बात है। तो फिलहाल खाना निकल चुका है। शैलेश भैया, अजय भैया मस्त बैठे हुए हैं और बहुत ही टेस्टी खाना बना हुआ। आइए आप लोग, सलाद भी है, रोटी भी है, यहाँ पे दही भी है, चीनी भी है, मस्त। और आज कौन आने वाले हैं? छोटे शाहरुख, उनसे भी आप लोग को मिलवाने वाले हैं। अभी भैया आ रहे हैं, अभी रास्ते में है। वो काफ़ी दिन से मैसेज भी कर रहे थे भैया कि मिलना है आपसे, तो मैं दिल्ली 2-3 बार आया था तो मैं मिल नहीं पाया था। फिलहाल मैं खाना वाना खा लेता हूँ। फिर अभी हम शैलेश भैया के रूम पर रुके हुए थे, तो घर की याद आ रही थी तो वर्दी वर्दी पहन ली, क्योंकि आज हमने
रीलेग भी शूट नहीं किया और दोपहर के 1 बजने वाला है, हमने भी क्रिएट करना है। आइए भैया। तो जी भैया कुछ बोले क्या भैया? अच्छा अच्छा, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये है दिल्ली का अच्छा। हाँ अरे भैया बहुत खतरनाक है भैया यार, क्या बात है, ये दिल्ली का व्यू देखो आप लोग, हाँ बहुत बढ़िया आ रही है भैया। कोल्ड ड्रिंक चाप रहे हैं, हमारे जैसे सर्दी इनको भी हो रहे हैं ज़्यादा। तो गाइस जस्ट अभी हमने वीडियो को भी एडिटिंग कर लिया और अपलोड वगैरह पे सारा कुछ लगा दिया, सब कुछ टाइटल थंबनेल सब लगा लिए हैं अच्छे तरीके से। और चलिए आज अभी कितना हो रहा है, 2:21, चलिए आराम से अब टेंशन फ्री हो गए, आराम से ब्लॉग भी आ जाएगा, बस आप लोग सपोर्ट करते रहो। बाकी घर तो लेंगे ही लेंगे क्योंकि इसी बहाने तो हम आए थे यहाँ पर देखने के लिए। हमारे खास फ्रेंड है वो टिकटॉक टाइम से बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और शाहरुख खान के लुक लाइक है शाहरुख खान से, क्या जाए आज सभी लोगों। लेडीज एंड जेंटलमैन रिप्रेजेंटिंग, अभी जैसे आएंगे आप सभी को शाहरुख खान से मिलाया जाए। अरे नहीं, ये हमारे सूरज भाई है, जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोगों को मीट कर पाएंगे, बहुत अच्छे कलाकार है। तो दोस्तों जस्ट अभी सूरज भाई के साथ हम वीडियो शूट कर रहे थे, अभी हुआ ऐसा कि भगवान इंद्र जी जो है थोड़ा गुस्सा हो गए दोनों भाई को देख करके कि आज बरसना है। बहुत अच्छा है राजा से मिलकर, मुझे बहुत खुशी हुआ और राजा पे बहुत मुझे प्यार दे रहे हैं यार। अरे भैया क्या बात करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा। नहीं नहीं भैया यार देखो भाई बहुत अच्छे हैं, भाई के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, मुझे भी सीखने को मिल रहा है ये चीजें कि हाँ कैसे क्या करना, मैं तो एक सिंपल से एक्टिंग कर देता हूँ जो भी होता है। अरे नहीं नहीं बिल्कुल, अभी काफी सारे भैया भी आए हुए, पीछे भी देख सकते हैं सिस्टर भी आई हुई है वीडियो में शूट करने के लिए, है ना, ऐसा सीन है अभी। लेकिन दिक्कत यह है कि बारिश महाराज जी अब कब खत्म होंगे ताकि हम लोग वीडियो शूट करें, एंड मौके पे आ गए। ऐसा लग रहा है कि दोनों भाई का आज मिलन हुआ तो भगवान जी भी हम लोग फिर से चाहते हैं कि 90 दशक को फिर से लौटाया जाए अपनी मेहनत से। आज का जो जनरेशन है भाई ये पता नहीं क्या होता है, 2050 में 3 उंगलियां आएंगे, 5 उंगलियां आएंगे, पता नहीं क्या होता है ना, तो हम लोग 90 में ही खुश है भैया। और मैं साथ में चाहूंगा कि एक किरण वाला डायलॉग हो जाए हमारे भाई के, तुम किसी और की नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, अगर ऐसा हुआ ना तो कोई किसी से प्यार नहीं करेगा, अरे चाँद का नाम मिलेगा कोई, लोग मोहब्बत से नफरत करेंगे, नफरत, अरे नहीं किरण, अरे नहीं ऐसा मत करो, देखिए मैं ऐसा मत करो, बहुत बढ़िया है, पास मिला भाई, छा जाना चाहिए बिल्कुल एकदम डायल बन चुकी है, लाइक कमेंट जरूर करना। और इधर से सैलेश भाई भी है, ये देख सकते हो दोस्तों सब लोग आए हैं, पार्टी यही चल रही है और ये सूरज भैया भी आए हैं, तो सब का नाम सब का नाम और सब लोग आज बहुत अच्छा लग रहा है सब लोग। हम लोग के लिए फोटो खींचा ना, ये देख सकते हो, ऐसा लगता है बीमारी पड़ गया सॉरी। तो सूरज भैया से मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा भाई, बहुत आगे बढ़ो और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर रहे यार, बहुत हाँ बिल्कुल 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 जी भैया बिल्कुल। भैया का भी इंटरव्यू कर लेना, आप एक बार अपने चैनल का नाम बोल दीजिए। मेरे चैनल का नाम है छोटा सौरभ, इंस्टाग्राम के आईडी के नीचे लिंक मिल जाएगा, हाँ राजा भाई के द्वारा बिल्कुल जाइए, गो सब्सक्राइब ना, जाके सपोर्ट कीजिए उनको, थैंक यू सो मच। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग, ऐसा करते बहुत ही हो चुका मॉर्निंग का टाइम, खांसी इतनी तेज आ रही है ना क्या ही बताओ, जैसे जैसे खांस रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है ना खून की जो छोटी छोटी धब्बियाँ होते हैं ना उस तरीके से निकले, पता नहीं क्या हो गया, पहले खांसी उखड़ी फिर कलेजे में दर्द सा उठ रहा है दूसरे टाइप का, लेकिन फिर भी ब्लॉग बनाना नहीं छोड़ रहा। आई होप आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, आप लोग कॉमेंट कर रहे थे कि सीने क्यों नहीं मिले, क्या कारण हुआ,
तो मैंने ऑलरेडी 3-4 मैंने ब्लॉग बना रखा है, उनके ऊपर मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये वाली क्लिप देखो। ये बताइए पाकिस्तान और हिंदुस्तान में आपको क्या फर्क नजर आया? आप लोगों ने ये वाली क्लिप देख लिया होगा क्योंकि ये क्लिप हमारे तीन चार दिन पहले का है, जो काफ़ी सारे न्यूज़ एंकर मीडिया आती थी तो उन्होंने ले रखा था इस चीज़ों को लेकर के, तो एक भाई ने रिकॉर्ड करके हमारे लिए रखा हुआ था, तो उनसे ट्रांसफ़र करके हमके मंगवाया कि ताकि आप लोगों को हम दिखा सकें। अब सीन ऐसा है कि बिल्कुल भी मीडिया को मिलने नहीं दिया जा रहा, किसी को इंटरव्यू करने के लिए नहीं दिया जा रहा था। फिर मैं दिल्ली में आकर बैठ गया था कि अगर मैं रुक जाऊँगा, कोई खबर मिलेगा तो मैं जाकर के उनसे मिलूँगा, क्योंकि ट्रेंड बना, हर कोई चाहता है कि ट्रेंड को पकड़े, उस टॉपिक को लेकर के कुछ खबर मिल जाए तो अपने ब्लॉग से भी शेयर कर दिया जाए। अब अंतर ही क्या रह गया हम मीडिया में और ब्लॉगर में, सब तो सही सभी एक ही जगह जाते हैं, जैसे कि हमारे काफ़ी सारे बड़े बड़े ब्लॉगर भी 3-4 मिलियन वाले गए हुए, तो वहाँ पे अच्छे खासे व्यू भी है, अच्छा वीडियो भी चला, अच्छे से वीडियो भी उन्होंने बना रखा था, लेकिन मैं हो गया था लेट, इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि गिल्टी से थोड़ा फील हुआ कि नहीं मैं कर नहीं पाया। तो मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा, अगर वो मिलेंगे सभी लोगों से तो मैं जाके मिलवाऊँगा आप लोगों को। बस आप लोग प्यार दुलार बनाए रखेगा। आई होप आज के ब्लॉग कैसा क्या लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बगल में इंस्टाग्राम पर जाकर के फॉलो कर लीजिए अपना कीमती वक्त निकाल के मेरा ब्लॉग को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।